मैं सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। भारत रक्षा मंच एक राष्ट्रवादी संगठन है। यहाँ मेरे भाइयों और बैठे हुए माननीय रोहतास कुमार गुप्ता, ये पहले मिलिट्री वगैरह में काम किए हुए हैं, इनको हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का हमने तय किया है। सीआरपीएफ के कमांडेंट पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद गुरुग्राम निवासी एवं वीरता पदक प्राप्त रोहतास गुप्ता ने भारत रक्षा मंच के साथ जुड़कर एक नई पारी की शुरुआत की है। रोहतास गुप्ता को भारत रक्षा मंच का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ रोहतास गुप्ता ने इस मंच का प्रदेश कार्यालय भारत माता रसोई के पास बेरीवाला बाग रोड राजीव चौक गुरुग्राम में खोला, जिसका उद्घाटन आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक एवं मंच के संस्थापक सूरजकांत केलकर ने किया। इस मौके पर भारत रक्षा मंच के हरियाणा प्रदेश संयोजक धर्मवीर गर्ग एवं मंच के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष किशोर साहू समेत शहर के अनेक गणमान लोग मौजूद रहे। आज यहाँ गुड़गांव में भारत रक्षा मंच का हरियाणा प्रदेश का कार्यालय ये आरंभ हुआ, तो उसके उद्घाटन कार्यक्रम में मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ। हरियाणा में ये पहला कार्यालय है अपना, तो आए हुए लोगों के साथ यह बात हुई कि भारत रक्षा मंच यह भारत में हिंदू के साथ जो अन्याय, अवहेलना, उपेक्षा हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसे दूर करने के लिए भारत रक्षा मंच बना है, और उसके लिए हिंदू को मुखर बनाना, प्रतिक्रियाशील बनाना, उसका आत्मविश्वास जगाना और भारत माँ के प्रति उसकी भक्ति जगाना, यह भारत रक्षा मंच का कार्य है। भारत रक्षा मंच इस बात पर विश्वास करता है, जो बात विवेकानंद ने कही थी कि भारत माता एक जागृत देवता है, उस भारत माता का चिंतन हम करें, उसका मनन करें, उसके लिए काम करें, तो देश की सारी समस्याएं हल होंगी। आपने ठीक ही पूछा कि नूपुर शर्मा के मामले में सर कलम करने के जो आदेश निकल रहे हैं, बकवास की जा रही है, ये निंदनीय है। और जिस प्रकार से अभी न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने कहा है, उससे एक तरह से आतंकवादियों को समर्थन मिला है। इतनी असंतुलित और भाषा न्यायाधीशों को शोभा नहीं देती। भारत रक्षा मंच देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से अपील करता है कि ऐसी बात बोलने वाले न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग चलाया जाए। मुझे श्रीमान सूर्यकांत केलकर जी ने जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो दायित्व दिया है, दायित्व बहुत ही कठिन है, रास्ते बहुत कठिन हैं,
लेकिन मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के घर घर में, जनता के बीच में भारत रक्षा मंच का संदेश जाए और पूरे हरियाणा में एक माहौल बने जिससे बाहर से जो भी हमारे खतरा पैदा है हिंदू समाज को, वो खतरा टले और हिंदू समाज मजबूत हो। हिंदू समाज का एक होना जरूरी है। दुर्भाग्यवश हमारा हिंदू समाज आज भी जाति में, प्रादेशिक रूप से, भाषा के रूप से और जातिगत रूप से बटा हुआ है और इसी का कारण है कि दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।